गढ़ की जनता भुगत रही है 15 साल से। अरे? वो 3 बार का विधायक रह चुका है। खाली मुझसे मरोड़ता मुछल ऐसे ऐसे करता है, पब्लिक बात करती है। एक है दोनों चौधरी साहब है सर। अरे अरे क्या क्या है का चौधरी, दिल्ली रहता है, यहाँ का चौधरी है। वो तो आता है चुनाव लड़ता है, दिल्ली भाग जाता है, यहाँ कहता है आगे मेरे बेटे की टिकट। टिकट नहीं है, टिकट की सर, टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस ने टिकट दी है पर उस टिकट का क्या फायदा? वो टिकट तो ऐसी होगी जैसे बस की, मेट्रो की, यहाँ से ली और वहाँ के डब्बे में डाली। विधायक है अपने जून साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, गंदे पानी से नारे, गंदा पानी भी रहा। कांग्रेस ने फिर से उन पर उम्मीदवारी दी है सर। ये तो वही बात है, घर की लिखणिया सब कुछ, उनसे तो टिकट दे दे, उससे सब कुछ कर दे। की बार सिलान नफे सिंह राठी 100 की 100। और जो निर्दलीय और लोग लड़ रहे हैं, नहीं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? सीला नवे सिंह राठी, ये तो बरसाती मेढक है निर्दलीय। हाँ जब बरसाती मेढक है, जब बारिश होती है तो आते हैं, फिर बरसात होती है डूब जाते हैं। समाज सेवी है भाई, नहीं कुछ नहीं है। ये बरसाती मेढक है, बारिश होता है तो आते हैं, बारिश होता है तो डूब जाते हैं। ये यहाँ जोर भाजपा गया और कौशिक जी बने, उनका भाई बने। पीछे रोड बनाया अभी बीजेपी ने, इसके जस्ट पीछे नाला था, पिछले 50 साल से कह रहे थे पास हो गया, बना अभी है 19 में। हाई टेंशन तारे की भी थी हमारी कॉलोनी के अंदर से, बीजेपी ने हटवा दी। तो जो ये कह रहे हैं सर कि 10 साल में भंड मार दिया पूरे प्रदेश का, हम सपोर्टर हैं, हम वोटर हैं, हम सपोर्टर नहीं है। समझ गए मेरी बात? सपोर्टर वो होता है जो झूठ सच बोलता है, वोटर वो होता है जो हकीकत में वोट डालता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 10 साल में इन्होंने क्या किया विकास के तौर पर? देखो मैं आसपास की बात करता हूँ। UER2 बन गया जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा, नंबर एक डेटा पे बात करते हैं। बालूगढ़ के अंदर ये नाले काम हो गया, हाई टेंशन तार थी हमारे छत के ऊपर से गई हुई थी वोट की, 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया हकीकत। जस्ट निकलते हैं यहाँ पे बस अड्डा है जो बालूगढ़ की कंजेक्शन को ख़त्म करके बस अड्डा बन गया। बहुत लंबे सालों से ऑटो मार्केट की डिमांड थी जो कि बीजेपी ने पूरी कर दी। उत्तरी बाईपास बना दिया, 6 बड़े प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ को दिए। की बार इसी ने, मूछ वाले ने ये कहा था अब की बार मेरे को जितवा दे आगे मैं तेरे को, पर अब ये कहने लगा अब मैं हूँ और मेरे बाद में मेरा बेटा होगा। परिवारवाद कांग्रेस में है। पहले कांग्रेस के जो MLA राजेंद्र दूस का पिताजी MLA था, अब ये MLA, अब ये कह रहा है मेरे लड़के को अगली बार दिलवाऊंगा। यही कांग्रेस में है, बीजेपी में है, बीजेपी का भाई MLA था, भाई जो दिनेश कौशिक का भाई, अब उसके भाई को टिकट। परिवारवाद है बहादुरगढ़ की जनता ने। 5 साल में विकास नहीं हुआ बहादुरगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड चलने लायक नहीं है बहादुरगढ़ में। ये 4 करोड़ की सफाई का है टेंडर, महीने का 4 करोड़ की महीने का सफाई का बहादुरगढ़ का रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, सफाई नहीं हो रही बहादुरगढ़ में। ये हाल है बहादुरगढ़ का। वो बीजेपी वाले तो दोनों सुग्रीव वाली हैं, एक दूसरे की शक्ति खींच के अपने आप ही चुनाव अपना डाउन कर लिया। और ये कांग्रेस वाला रावण है ही, डेटा है ये सपोर्टर वाली बात नहीं है, ये वोटर वाली बात है। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं 10 साल का हिसाब चाहिए। मैं हिसाब देता हूँ, मेरा एक सवाल है, सुनो मेरा एक सवाल है, सब सुनो भी ध्यान से। राहुल गांधी ने अभी बोला जिसकी जाति गणना करवाएंगे, जिसकी जाति उसको उसका इतना हिस्सा। यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा वर्ग है OBC और OBC का मुख्यमंत्री बना दिया, इससे बड़ा कौन दे सकता है? राहुल गांधी की डिमांड पूरी कर दी बीजेपी ने पहले ही, वो तो करेंगे पहले ही कर दी। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना सर, प्लॉट देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। जब से हरियाणा बना है, जब से पूरा इंडिया बना है, प्लॉट सिलेंडर ये सब मिलते आ रहे हैं, कम नहीं मिले बताओ। लेकिन कुछ एक लोगों को मिलते हैं, जैसे कांग्रेस आई BPL कार्ड चुनिंदा लोगों को मिलते थे, ये मेरा भाई इसको दे दो। इन्होंने पोर्टल बनाया कि जो अप्लाई करेगा, जो योग्य है उसको मिल जाएगा, समानता का अधिकार सबका साथ। लेकिन वो तो ये भी कह रहा है ना कि भाई अगर हम आ जाएंगे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 25 लाख रुपए देखे जाएंगे। अगर वो आ जाएंगे और 25 लाख की स्वास्थ्य की सेवाएं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो करेंगे। 10 साल की उनकी जो शासन था उन लोगों ने देखा, अगर वो कर देते तो क्यों जाते हैं? परिवर्तन की लहर क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है परिवर्तन की लहर? मैं फिर कह रहा हूँ सपोर्टर। जैसे मान लो आप हो,
आप पढ़ लिख के एक एग्ज़ाम दे के आते हो, पास हो जाते हो, यू आर ए वोटर। सपोर्टर वो होता है कि ये मेरी बुआ का, मेरी फूफा का 10 लाख रुपए दिए, नौकरी लग गया। वो होता है सपोर्टर, जो जिसको टेस्ट पास करना नहीं आता, वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट आए जल्दी से और हम नौकरियों पे लगे, हमें ठेके मिले, हम खाएं। और पूछो क्या पूछोगे? नहीं तो यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 साल में देखिए ना आपस में बनी नहीं, एक सीएम हटा के दूसरा सीएम लाया, ये राजनीतिक एजेंडा था। मध्य प्रदेश के अंदर एक दरी बिछाने वाले को सीधा मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, ये टाइपिस्ट था कौन, नायब सिंह सैनी, और इसको मुख्यमंत्री बना दिया। पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। सोचा था किसी ने? कांग्रेस में हुड्डा है, हुड्डा का बेटा है, कांग्रेस में सोनिया है, सोनिया का बेटा है, कौन है? कह रहे हैं सोच जहाँ है वहाँ परिवर्तन है, कह रहे हैं गरीबों के लिए देंगे, आम जनमानस को जो है सुविधाएं देंगे, यहाँ हिसाब अलग है। कांग्रेस जब से देश बनाया है तब से कहती आई है, कांग्रेस जब से देश बनाया कहती आई है क्या गरीबी हटाओ। 75 साल में क्या गरीबी नहीं हटी अभी तक? बताओ 75 साल हो गए, 75 साल में मैक्सिमम राजनीति का था, 67 साल 65 साल 60 साल क्यों नहीं हटा पाए गरीबी आप? लेकिन इस बार मौका तो दीजिए। 60 साल कितनी बार मौका दिया? अच्छा एक बात, तो हिमाचल में मौका दिया था, सुक्खू ने अपनी सैलरी रिजाइन कर दी, बजट खत्म हो गया। कर्नाटक में जाके देखो उनका बजट खत्म हो गया, मौका दो बार उधर भी दे दिया। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सर खाते में सीधे पैसे जाएंगे। खाते में पैसा सिर्फ एक आदमी डाल सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। जनधन अकाउंट खुलवाए, खटका दबाया, पैसे खाते में। राहुल गांधी विश्वास नहीं है किसको? राहुल गांधी का फादर ही खुद कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 10 पैसा पहुँचता, 90 पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी रहेंगे जी यहाँ भी? हाँ जी, पूरे इंडिया में रहेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री वो बनेंगे जी, और नायब सैनी बनेंगे। बार बार कह रहे परिवर्तन की लहर है। नहीं, परिवर्तन का जोर है? कुछ जोर नहीं है, ये तो बरसाती मेढक है, निर्दलीय। हाँ, जब बरसाती मेढक है, जब बारिश होती है तो आते हैं, फिर बरसात होती है डूब जाते हैं। समाज सेवी है भाई? नहीं कुछ नहीं है, ये बरसाती मेढक है, बारिश होता है तो आते हैं, बारिश होता है तो डूब जाते हैं। ये यहाँ जोर भाजपा का है और कौशिक जी बने, उनका भाई बने। पिछली बार क्या जोर था? हाँ जी, हाँ पिछली बार जो गया अभी इसके पहले, हाँ जी, वह उस समय जोर क्यों नहीं चला इसके पीछे? जोर था ही, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये तो। हाँ जी भाई साहब, आपने वोट कर लिया? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? अपना तो नरेंद्र मोदी है जी, और बीच में कोई नहीं है? और कोई नहीं है। अरे भाई साहब बहुत सारे नेता हैं। ना भाई, एक ही नेता अपना भाजपा नेता नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या कर दिया उसने हरियाणा के लिए? सब कुछ कर दिया उसने। जैसे? जैसे तो क्या बताऊं। भाई आपने भी वोट कर दिया? एक बार उंगली दिखा दो यार, आपने क्या सोच के किया? सर मैं तो देखो मोदी को ही दिया मैंने वोट। मोदी अच्छा काम कर रहा है। प्रत्याशी को नहीं देख के वोट कर रहे हैं? प्रत्याशी में दम नहीं है? मोदी ने काम करा अच्छा, काफी साल से हो गया। वोट कर दिया? हाँ, मोदी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है? हाँ जी। वो तो जो परिवर्तन के लिए कह रहे हैं वो? परिवर्तन तो देखो होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। क्या करता है पता है? नहीं। ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदलता है। हाँ। ये मेहनत करने वाला इंसान है। हाँ। जो मेहनत करने वाला इंसान है ना वो आराम की नहीं चाहिए उसको, उसको अपनी मेहनत की चाहिए। ये अपनी मेहनत से और सोचते हुए वोट डाल गया है। इसने देश के लिए वोट डाला है, इसने परिवर्तन के लिए वोट नहीं डाला। जो सही चल रहा है उसी को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए वोट डाला। लेकिन बहुत सारे लोग आज हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं। कैसे बहुत सारे तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब मोदी की 274 सीट आई थी तो अगेंस्ट में कितनी आई थी? उससे ज़्यादा ही आई थी ना। लेकिन बहुमत किसको बोलते हैं? 276 को ही बोलते हैं, 274 को ही बोलते हैं ना, तो बहुमत उसके पास आ गया। आज मोदी को कहते कि कांग्रेस कहती हम जीत गई 44 से 99 पहुँच गए। टोटल पूरा का पूरा विपक्ष 239 सीट और बीजेपी अकेली 240 सीट, फिर भी कह रहे बीजेपी हार गई। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ रही है हरियाणा में? हरियाणा में जातिवाद पे लड़ाई चल रही है। वो तो हमेशा चलेगी। यस यस, जातिवाद तो ऐसा है, सुनो मेरी बात, पूरे देश में हरियाणा छोड़ो, बिहार चले जाओ, वहाँ जातिवाद पे इलेक्शन, अभी यूपी में इलेक्शन होते भी जातिवाद पे, जातिवाद तो पूरा हरियाणा अकेला जातिवाद बनी है, पूरा देश ही जातिवाद। कर लिया सर आपने? हाँ वोट डाल दिया। उंगली दिखा दीजिए कैमरे पे। आपने भी कर लिया सर? हाँ ये आपने भी दिखा दीजिए, ये देखो। क्या कहेंगे सर, क्या सोच के किया? हमने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के अच्छा। एक निर्दलीय को हम विधानसभा में भेजना चाहते हैं बादगोड़ से, और वो निर्दलीय विधानसभा में जाएगा। सिलाई मशीन बाद में जीतने के बाद इधर उधर तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कहीं इधर उधर नहीं होएगा। सिलाई मशीन बादगुड़ से जीत रही है। बहुत ही जीत दर्द। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से। वजह
इसको एक को तो देख लिया, 15 साल से ये बहादुरगढ़ की जनता भुगत रही है। 15 साल से अरे? वो 3 बार का विधायक रह चुका है, खाली मुझसे मरोड़ता मुछल ऐसे ऐसे करता है, पब्लिक बात करती है। एक है दोनों चौधरी साहब हैं सर। अरे अरे क्या क्या है का चौधरी, दिल्ली रहता है, यहाँ का चौधरी है, वो तो आता है चुनाव लड़ता है, दिल्ली भाग जाता है, यहाँ कहता है आगे मेरे बेटे की टिकट, टिकट नहीं है, टिकट की सर टिकट कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस ने टिकट दी है पर उस टिकट का क्या फायदा, वो टिकट तो ऐसी होगी जैसे बस की मेट्रो की, यहाँ से ली और वहाँ के डब्बे में डाल दी, ऐसी टिकट है वो। यहाँ पर खाली सिलाई मशीन और राजेश जून का सारे शहर में गांव में जलवा है, राजेश जून का जलवा है और बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत रही है। और बीजेपी पहले सर कोशिश कर रहे थे क्या, मन दुख गया इसके लिए अलग लड़ने का, कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो नहीं कोशिश मैं समझा कोशिश नहीं प्रयास अच्छा क्या प्रयास कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से ही, कौन राजेश प्रयास कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से क्यों पिछले यहाँ और क्या प्रभाव है सर? अरे प्रभाव नहीं यहाँ पर तो ये एक तो बलमूच पहनाता है और किसी को शहर में कोई काम नहीं आता। बीजेपी राज में म्युनिसिपल कमेटी नगर परिषद में 3200 करोड़ रुपए आया था, 3200 करोड़ बहादुरगढ़ में 500 करोड़ भी नहीं लग रहा। कांग्रेस और बीजेपी मिलजुल के खा गए नगर परिषद में और 3200 करोड़ आना। कल को तो ऐसा नहीं हो जाएगा सर, अगर निर्दलीय को जिता दिए तो पता चला कहे कि अरे भाई सरकार नहीं तो क्या करेंगे। अरे नहीं 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 निर्दलीय को अपना हक ले आएंगे, यहाँ का जो हल्के का होगा हक और नगर परिषद में भी होल्ड निर्दलीय का होगा और विकास करेंगे, इसीलिए मशीन जीत रही है। राजेश जून चुनाव जीत रहा है, ये देखना 25,000 वोटों से राजेश जून चुनाव जीत रहा है। सिलाई और जोर ताल ठोक रहे हैं उनका क्या, और निर्दलीय की वोट नहीं है। अच्छा जी, एक ही निर्दलीय की वोट है, वो निर्दलीय है।